पंचायत चुनाव के चौथे और आखिरी चरण में निरसा के विभिन्न पंचायतों के मुखिया सहित अन्य पदों के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 30 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और 27 मई को इसके लिए मतदान किया जाना है। आज निरसा के अलग अलग पंचायत क्षेत्रों से मुखिया प्रत्याशियों ने नामांकन किया। इस दौरान हरियाजाम पंचायत बबलू दास की पत्नी माला दास, बेनागोरिया पंचायत से ललिता हरदा, भागा बांध पंचायत मुखिया प्रत्याशी हरिबौद्ध मोदक, रंगामाटी पंचायत मुखिया प्रत्याशी कविता कुमारी भी अपने समर्थकों के साथ अंचल कार्यालय पहुंची और निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान माला दास ने बताया कि पंचायत की जनता की सेवा करना ही उनका लक्ष्य है। पंचायत के गरीब गुरबों की समस्याओं का समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचाना है, ताकि जो पूर्व के पंचायत प्रतिनिधियों से उपेक्षित हुए हैं उन्हें उनका अधिकार बिना भेदभाव के मिल सके। कौन पंचायत से मुखिया खड़े हैं? बेनागोरिया पंचायत से। आपका क्या नाम है? आप अपने पंचायत में क्या करना चाहते हैं? मेरा पंचायत में मतलब जनता को मतलब ये करना चाहते हैं, मतलब रोजगार दिलाना चाहते हैं। अच्छा, और कोई कोई सुविधा? मतलब गांव में बहुत सारी समस्या है, जैसे कि पानी का भी समस्या है, किसी को घर नहीं मिला है, घर का समस्या है। हाँ, तो पुराना सा मुखिया जो था, पुराना मुखिया था, देखिए हम समूह से जुड़े हुए हैं। हाँ, ठीक है, समूह से जुड़े हुए तो समूह में हर महिला गरीब महिला जुड़ी हुई है, तो हर बैठक में हम अगर जाते हैं तो हर दीदी लोग हमको बोलती है कि मतलब हमको घर, मेरा घर नहीं है, हमको घर दिलाइए, और पेंशन नहीं है किसी का, तो हमको बोलती है। तो इसीलिए इस बार हम ये सोचे कि खुद हम मुखिया में करेंगे। आपके साथ जनता का सपोर्ट है? हाँ, सपोर्ट तो है, जितना भी मेरा समूह है वो सभी का सपोर्ट है। किस वजह को लेकर जाइएगा और जनता के पास वोट के लिए? देखिए, वजह तो उद्देश्य एक ही है, सिर्फ रंगामाटी पंचायत की जनता का सेवा करना है, तो इसी उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं और खुशी है और सबका सेवा करना चाहते हैं रंगामाटी पंचायत के लिए। विकास को लेकर क्या? एकदम विकास जो है मेरा रंगामाटी पंचायत एकदम लास्ट में आ गया है, ठीक है, और निरसा अंचल में जितना मेरा रंगामाटी पंचायत है सबसे आगे होगा। विकास के माध्यम से हम विकास इतना करेंगे करेंगे, और मेरा चेष्टा होगा कि उसको आगे ला, ठीक है, जनता के सेवा। एजुकेशन क्या है, शिक्षा? ग्रेजुएशन किया फर्स्ट। क्या कहेंगे आपकी बेटी का नामांकन हो गया रंगामाटी पंचायत मुखिया प्रत्याशी के लिए? देखिए, मेरा रंगामाटिया पंचायत में मेरा बेटी जो जनता सेवा करने में आगे बढ़े हैं, इसके लिए तो हमारा गौरव का विषय है, बहुत आनंदित हुए कि हमारे रंगामाटिया पंचायत को सेवा करने के लिए मेरा बेटी आगे बढ़ी है, इसके लिए हम मैंने बहुत बहुत खुश है, और उसको हम हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे, ताकि मेरा रंगामाटिया पंचायत जनता को अच्छा से मैंने काम मिले, विकास हो, पूरा एकदम सपोर्ट रहेगा मेरा बेटी। आपके द्वारा बहुत सारे ऐसे विकास कार्य पहले जनता के बीच, जनता का सेवा के लिए हम उतरे। जनता का सेवा तो ठीक है, किस काम मुद्दा कुछ रखे ना? हाँ, मुद्दा तो कुछ रखे हैं, जो काम जो गड़बड़ हो रहा है वो काम को सुधार करने के लिए हम खड़ा। पहले के मुखिया क्या गड़बड़ किए हैं? बहुत गड़बड़ किए। जनता आपके साथ है? हाँ, जनता मेरा साथ है। जी, हम लोग साथ है, जनता फुल साथ है, इसका फुल सपोर्ट है ना? पूरा साथ है, 80% का साथ। मान लीजिए कि और इधर भी एक्चुअली बात यह है ना, ये तो चुनाव होना ही था और हम लोग खुद चुन के इनको खड़ा किया इस जगह से, और पूरा जनता हमारे बीच में वो हम लोग के मन मुताबिक काम नहीं किया, और हम लोगों ने सब मिल के ये फैसला लिया कि आपका मदन आलम को इस मुखिया वोट में उम्मीदवार बनाकर खड़ा किया, और इनको भारी मतों से जो है विजय बनाया।
हम लोग का यही है कि ये हमारे गांव में मुखिया बने। आपका पंचायत में बड़ा घोटाला हुआ था, आपके पंचायत में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, उस समय आप क्या कर रहे थे? हम लोग कर रहे हैं लेकिन सुना भी नहीं। कहाँ कहाँ शिकायतें दर्ज किए थे? पहुँच जाएगा तो हम मूर्तिमान विचारों को तो दिखा कर आए हैं, मगर शिकायतें आपकी सुनी नहीं गई, नहीं नजरअंदाज कर दिया, तब इसलिए थाने के मुखिया प्रत्याशी बनेंगे और विजय लेके उस काम को पूरा करेंगे। हम अगवान पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ हरिबोल मोटू। क्या आपको पहले का जो मुखिया है क्या काम किया है ढंग से कि नहीं किया क्षेत्र में? काम तो देखिए जनता का तो कुछ काम नहीं हुआ, और जनता का काम नहीं हुआ वो अपना लुटने के लिए जीता था। क्या वो फिर से नामांकन कर रहा है क्या? हाँ फिर से नामांकन कर रहा है, जनता से ज़्यादा उसका 100 गुना बढ़ोतरी हुआ है। क्या जनता आपके साथ है? जनता मेरा साथ है, जनता के लिए हम खड़ा हुआ। क्या मुद्दा लेके जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए विकास के मुद्दा लेके लिए। विकास में क्या है? विकास में देखिए पीएम आवास अभी तो बहुत कच्चा मकान है, वो वाला हमको 5 साल में पूरा करना है, और तो और पानी का व्यवस्था ठीक नहीं है, वो वाला हम सुधारने का काम करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि रोड नाला ये सब बना हुआ है क्षेत्र में? नहीं नहीं रोड नाला तो अभी नहीं है। पीएम आवास बना है आपके? हाँ पीएम आवास तो पूरा खेला हो गया भगवान पंचायत। क्या खेला, कैसा खेला हुआ? देखिए पहला जो भुगतान आता है ना लघु का, तो पहला तो भुगतान मिल जाता है, और दूसरा बस भुगतान के लिए जियो टैग जब करने जाते हैं ना तब पैसा का मांग हो रहा था। अच्छा कितना मांग कर रहा था? देखिए 10,000, 20,000 जैसे जो नामांकन हो गया मुखिया पद के लिए और बेनागोड़िया पंचायत से आप नामांकन की है ना, तो किस बिना पर इस बार जनता के पास जाना है? आप पहले भी मुखिया रही हैं और क्या कठिनाई आई आपको 5 साल में? कठिनाई तो ऐसी कुछ आई नहीं है, क्योंकि हम लोग काम करते हैं तो उसमें सभी का ही सहयोग है, जनता का भी है, वो अपना प्रॉब्लम लेके आते थे तो जो आपने विकास अभी किया है उसको लेकर जनता के पास जाएंगे कि मेरा जो विकास है उसको देखकर वोट दें? विकास तो जैसे हम लोग का बहुत तरह का काम होता है, कुछ जमीनी स्तर पे होता है, थोड़ा बहुत शिक्षा में भी होता है, थोड़ा स्वास्थ्य में भी होता है, उसी तरह सभी चीज़ में विकास हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो सब अधूरा है उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, और सबसे ज़्यादा जोर हम शिक्षा स्वास्थ्य पे देंगे, क्योंकि पहले तो वहाँ हॉस्पिटल नहीं था, जो कि हम लोगों का भी ऑलरेडी जोगीतोपा में स्वास्थ्य केंद्र बन गया है, लेकिन वहाँ पर अभी डॉक्टर की कमी है, उसको हम लाने की कोशिश करेंगे जितना हो सके, यहाँ कोई अच्छा डॉक्टर आ जाए, दवाई का भी एक एम्बुलेंस का भी व्यवस्था हो जाए वहाँ से, क्योंकि वो ग्रामीण इलाका है, तो गाड़ी का व्यवस्था करने में आदमी को बहुत परेशानी हो जाती है, ऐसे तो वाहन मिलता है लेकिन यहाँ से जाने या वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए उस सब का व्यवस्था करेंगे, कोई एम्बुलेंस और डॉक्टर जैसा भी है वो तत्काल के लिए हो जाए, शिक्षा में भी कुछ देखेंगे कि कुछ नई तकनीकी की पढ़ाई हो, जैसे कंप्यूटर कक्ष हो, लाइब्रेरी की सुविधा हो, ऐसे पेयजल और भोजन तो मिलता है, लेकिन उसमें भी और थोड़ा अगर डेवलप होता है तो हम लोग के लिए अच्छा होगा, तो देखने में भी सुंदर लगेगा, बच्चों के स्वास्थ्य में भी अच्छा असर होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन सी पंचायत से किस पद के लिए आप नामांकन दाखिल किए हैं? मुखिया का पद भी हरिया। धन्यवाद। ठीक है भैया, आप अपना पंचायत से अपना परिवार को अपना धर्म पत्नी को मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए उतारे हैं, तो पंचायत का जो आपका जनता है उस जनता का जो क्या कुछ विकास अपना सोच में रखे हैं? जनता का जनता जनार्दन होता है, आज 5 से 7 साल और होने जा रहा है, जनता को ठगने का काम किया अगले मुखिया, उसका अलग कुछ नहीं किया, कुछ दलाल तत्वों को लेकर के पंचायत में घूम घाम के अपना जहाँ काम होना चाहिए नहीं किया,
अपना उसका बलबूते पर जहाँ बोला वहाँ काम हुआ। आज तक कोई ऐसा काम हरियाजाम पंचायत में नहीं हुआ, इसलिए हम हरियाजाम पंचायत से मेरा मुखिया पत्ता से मेरा माला दास को बता रहे हैं, क्योंकि हर काम का विकास हो, गरीब तत्वों का विकास हो और धंधाबाज को वहाँ टिकने नहीं देंगे। जो दलाल तत्वों का आदमी है उसको टिकने नहीं देंगे। तो हरियाजाम पंचायत में आप देख सकते हैं कोई काम नहीं हुआ, विकास का विनाश का काम हुआ, कल दलाल पंथी हुआ, आज कुछ थोड़े कोई काम ही नहीं हुआ। आप हरियाजाम पंचायत से मुखिया पद के लिए नॉमिनेशन किए हैं, तो आपको क्यों लगता है कि आपको हरियाजाम पंचायत की जनता आप ही को वोट देगी? मेरा जनता पूरा साथ है, मेरा जनता आप देख सकते हैं कितना कतार पर आया है, और आप हमसे नहीं, आप हरियाजाम पंचायत में जाकर कुआ का से लेकर के नीचे कुका से लेकर के आप हरियाजाम से लेकर कोई भी जगह पूछ सकते हैं कि बाबलू का छवि क्या है, बाबलू काम करके दिखा सकते हैं, बाबलू ऐसे व्यक्ति है कि कोई छुपा हुआ चीज़ नहीं है, हम काम करके दिखा देंगे हरियाजाम बस्ती का। हरियाजाम हम पब्लिक का, हम गरीब जनता तक हम हर योजना हर चीज़ पहुँचा के रहेंगे, और कोई कमीशन नहीं होगा, कोई चीज़ नहीं रहेगा, शुद्ध सादा काम होगा। जनता आपका पंचायत का जनता आपके पक्ष में वोटिंग करे, इसके लिए आप अपने क्षेत्र के जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं, एक नंबर जो काम नहीं हुआ वो काम हम बाप खुदे आपको बैठा कर काम करेंगे, ना कि दलाल का माध्यम से काम करेंगे। आपका समस्या आप बताइए, आपका रोड, आपका नाली, आपका इंदिरा आवास, आपका वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आप बैठ कर काम करेंगे, ना कि कोई पैसा लेकर काम करेंगे। आप जो भी समस्या होगा उसको दूर करेंगे। ऐसा विशेष क्या कुछ समस्या है आपका? समस्या वहाँ पर पानी का है, सड़क का है, बिजली का है, स्कूल का है, वृद्धा पेंशन का है, विधवा पेंशन का है, सबसे घोटाला हुआ आपका लेट्रिन बाथरूम जो बनाया गया है, सेंटर शौचालय उसका भी घोटाला हुआ है, रोड में घोटाला हुआ है, हर चीज में घोटाला हुआ है। क्योंकि इससे पूर्व जो आपके पंचायत के मुखिया थे उनके द्वारा विकास कार्य के कुछ विकास काम बोलकर जीरो है, जीरो बटा जीरो, आप लोग देख सकते जा करके हरियाजाम पंचायत में घूम। एक रोड ढलाई के ऊपर ढलाई किया गया था, सिर्फ गोला मारा गया था, एक रोड के ऊपर ढलाई हुआ, उसके बाद जब दबाव पड़ा, जब रिपोर्टर किया, तब फिर उसके बाद उठा के हल्का चिप मार दिया, यही तो विकास का काम हुआ। नाली का पानी उधर नहीं जाना चाहिए, उल्टा बाहर, नाली का पानी ऐसे विकास का काम होना चाहिए। अगर पंचायत के जनताओं का आशीर्वाद आए अगले बार आपको मिले, तो आप जनताओं के लिए क्या सेवा कीजिए? जनता का जो समस्या होगा समस्या का निराधान करेंगे, जो सरकार का योजना है उधरातार पर लगाएंगे, हम चौमुखी विकास करेंगे हरियाजाम पंचायत में, चैलेंज के साथ बोल सकते हैं।